विनय जी, अब हम आगे बढ़े तो राहु 5th हाउस में आ चुके हैं जी और केतु 11th हाउस में। या तो 5th हाउस में राहु की पोजीशन वैसे अच्छी इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि एक पितृ दोष निर्मित करती है, क्योंकि जी पंचम भाव जो होता है हमारे पूर्व पुण्यों के कर्मों का फल बताता है, और वहां पर जी राहु यदि है तो वो उसको एक शेडो समान कवर कर देता है, मतलब आपके अच्छे कर्म गुड डेट्स सामने नहीं आने देता। तो ऐसे लोगों की मैंने कॉमन कंप्लेंट एक सुनी है कि हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं बट उधर से हमें कोई रिस्पॉन्ड मिलता है बिकॉज ऑफ राहु 5th हाउस, उसने कवर कर दिया आपके अच्छे कर्मों को सामने नहीं आने देता। करेक्ट। और रेमेडी पे भी बात करेंगे हम, बट अभी हम बात कर रहे हैं 5th हाउस। तो 5th हाउस में जो एजुकेशन आती है हमारी, शिक्षा आती है, जी और जी राहु यहाँ पर यदि है और पॉजिटिव है तो आपको टेक्निकल एजुकेशन देता है, आपको हायर या एजुकेशन देगा। पंचम भाव हमारे बुद्धि का स्थान है और राहु वहां पर है तो आपको काफी क्लेवर बनाए, एक कनिंग करेक्ट। बनाए, आपको कोई भी डिच नहीं कर सकता। यदि 5th हाउस करेक्ट। राहु है और तो आपको डिच नहीं मिलेगा, धोखा नहीं मिलेगा। आप किसी के साथ कर दो एक बार वो चलेगा, बट आपको नहीं मिलेगा यदि उसके ऊपर अच्छी पोजिशन में राहु बैठा है। बिल्कुल सर। 5th हाउस हमारे संतान का स्थान है और यहाँ पे यदि राहु पॉजिटिव है तो आपको संतान से लगाव रहेगा और संतान से भी आपको रिस्पॉन्ड अच्छा मिलेगा क्योंकि वो पॉजिटिव उसमें बैठा हुआ है। फिर 5th हाउस जो है हमारे कहते हैं कि रोमांस का स्थान है, तो यहाँ पर राहु ऐसे लोगों को दिखा मैंने कई बार अफेयर्स में बहुत जल्दी इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि राहु जहां पर है वहां हमारा फोकस है तो इजीली अफेयर्स में जाते हैं। बट यदि वो निगेटिव है तो ऐसे लोगों को धोखा मिलता है, डिच होता है, या आपका रिलेशन को ब्रेक कर देता है। करेक्ट। फिर 5th हाउस में हम बात करें तो स्पेकुलेशन आता है हमारे, लॉटरी आती है, आकस्मिक धन लाभ का स्थान भी है वो। तो वहां पर यदि राहु है तो ऐसे लोगों को मैं प्रिकॉशन ये बोलूंगा कि आप डोंट इन्वेस्ट इनटू शेयर मार्केट में, मतलब खासकर इक्विटी में ना जाए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जाए, तो आपको राहु के बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, आपको आपकी जो वेल्थ है वो मल्टीपल वो ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, नुकसान नहीं होगा आपको। और यदि हम बात करें तो रेमेडी की भी साथ साथ बात करें तो 5th हाउस में राहु है तो ऐसे लोगों को पूजा पाठ वो दान धर्म करते रहना चाहिए क्योंकि आपके करा। पिछले जन्म के कर्मों को राहु ने कवर कर रखा है, तो एटलीस्ट इस जन्म में यदि हम पूजा पाठ दान धर्म करते हैं तो हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलते जाते हैं। फिर इसके जस्ट ऑपोजिट में यदि हम बात करें तो 11th हाउस में अब केतु आ गए, और 11th हाउस में यदि केतु है तो 11th हाउस होता है हमारे रिश्तों में एल्डर सिबलिंग्स का, हमारे फ्रेंड्स का, सोशल नेटवर्क का। और यहाँ पर राहु क्या सॉरी केतु जब यहाँ रहता है यदि वो निगेटिवली इन्फ्लुएंस है तो मैंने देखा आपके फ्रेंड सर्कल लिमिटेड हो जाते हैं, आपको आपको एल्डर सिबलिंग जो है उनसे कई बार वो अलग करवा देता है, दूरी करवा देता है, वो डिटेच करता है, फिर आपको सोशल नेटवर्क को भी कम कर देता है। लेकिन 11th हाउस में केतु की पोजिशन इसलिए अच्छी मानी गई क्योंकि पाप ग्रह है और 3, 6, 10, 11 में पाप ग्रह अच्छे मानते हैं एज पर ज्योतिष विज्ञान। तो 11th हाउस में केतु इसलिए अच्छा है क्योंकि पाप ग्रह है और वहां पर हमारे लाभ का स्थान गेन का, तो 11th हाउस में केतु आपको आकस्मिक धन लाभ देगा, आपको करेक्ट। आकस्मिक लाभ देगा विच यू कैंट कांट प्रिडिक्ट। यस आपको जो गेन 11th हाउस केतु दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता, बहुत बिल्कुल सर। बढ़िया पोजिशन है उसके लिए। और डिजायर फुलफिलमेंट हमारी इच्छा पूर्ति का स्थान है 11th हाउस, और यहाँ पर केतु रहता है तो हमारी डिजायर ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। लेकिन एक चीज मैंने कॉमन देखी कि आपने प्रयास करा बहुत और घर के सामने BMW खड़ी है, लेकिन जिस दिन वो आएगी उस दिन आपको वो मन में रियलाइजेशन नहीं होगा, वो खुशी नहीं होगी क्योंकि डिजायर पूरी हो गई बट आपको रियलाइज नहीं होने देगा क्योंकि केतु है वो आपको रियलाइज नहीं होने देता। तो जहां बैठता है वहां की चीजों से आप थोड़ा सा डिटैच ही रहते हो, वो चीज मिल जाती है करा। आपको बट उससे आपको थोड़ा सा अलग कर देता है मन के लेवल पर खासकर। करेक्ट। और 11th हाउस केतु है तो वेल्थ के लिए काफी अच्छा स्थान है और हमारी इच्छा पूर्ति होती है। और तो ये तो हमने बात करी राहु 5th हाउस में है और केतु यदि 11th हाउस उसका ऑपोजिट। जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो राहु 6th हाउस में आ चुके हैं और केतु 12th हाउस में, तो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार 3, 6, 10, 11 अगेन राहु 6th हाउस में आ गए, तो काफी बेस्ट जी। पोजिशन मानी गई राहु की यहाँ पर, क्योंकि तो राहु को जीत पसंद है, राहु को हारना नहीं पसंद। और 6th हाउस आता है हमारे कॉम्पिटिशन का स्थान, तो राहु बराबर। यदि राहु यहाँ पर है तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन में जीतोगे, भले वो स्पोर्ट्स हो, भले वो न्यायालय का हो, मुकदमेबाजी हो रही हो, कोर्ट केस चल रहा हो, पुलिस का कोई पंगा हो, आप वहां पर जीत जाओ।
आपकी हार नहीं होगी। और एक बात और कहूं, सिक्स हाउस राहु है तो लोन जो होता है कर्जा, वो स्थान सिक्स हाउस का। लेकिन आलोक सर ने, मुझे याद है हम जब स्टूडेंट थे, आलोक सर के अभी भी स्टूडेंट है नो डाउट, बट हम जब पढ़ते थे क्लास में उनके ऑफलाइन, तो आलोक सर ने कहा था यदि किसी का सिक्स हाउस का राहु है और घर में किसी का सिक्स हाउस का राहु है, उसके नाम से आप लोन ले, वो लोन आपका यूं उतर जाएगा चुटकी में, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिक्स हाउस राहु है तो आपका लोन तो इजीली उतार देगा आपका। उसे कहते हैं शत्रु हंता, क्योंकि सिक्स हाउस में एनिमी आते हैं हमारे, तो आपके शत्रुओं पर आपकी विजय होती है, आपका कोई एनिमी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, परास्त हो जाएगा, वो सरेंडर कर देगा आपके साथ। फिर हमारे सिक्स हाउस में जो आता है लोन आ गया, बीमारी आ गई, बीमारी भी आती है डिसीज, तो सिक्स हाउस में जो राहु रहता है, तो मैंने देखा कई बार डिसीज ऐसा लगता है कि डिसीज है पर एक्चुअल अंदर नहीं है, जैसे कि स्किन डिसीज की बात करूं या आपको कोई भी तकलीफ होती है तो वो बहुत मेजर नहीं होती और ऊपरी तो ऊपरी सतह पे रहती है, आप जब जांच करवाओगे अंदर कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि राहु है, अंदर कुछ भी नहीं, आप डॉक्टर के पास जाओगे बट बीमारी से रिकवर भी हो जाओगे। आपको कितनी से बड़ी बड़ी बीमारी हो जाए, राहु आपको एंड ऑफ द जीत दिलवा देगा, आपको बीमारी खत्म कर, उस बीमारी को खत्म कर देगा। और सिक्स हाउस में राहु काफी अच्छा माना गया है क्योंकि कहते हैं जो छठा स्थान है वो हमारे मतलब कहीं ना कहीं हमें पराक्रम का भी स्थान, कहीं ना कहीं पराक्रम भी संबंध रखता है, इसलिए हमें ओवरऑल वहां जीत मिलती है हमें, फिर कॉम्पिटिशन हो, लोन हो, ओवरऑल। फिर हम आगे बढ़े तो जस्ट इसके ऑपोजिट केतु ट्वेल्थ हाउस में, तो ट्वेल्थ हाउस में केतु इसलिए अच्छा माना गया है क्योंकि 4, 8, 12 में आप शुरू से बोल रहा हूँ, 8th हाउस हम बोल चुके हैं, 12th हाउस में केतु, अभी यदि 12th हाउस में केतु है तो मोक्ष का स्थान है, 4, 8, 12 मोक्ष स्थान है और केतु की फेवरेबल जगह है मोक्ष स्थान, क्योंकि वो अध्यात्म का प्लेनेट है। और 12th हाउस में यदि हम क्या क्या चीजें आती हैं, हम पहले वो बात करें, 12th हाउस में आता है आपका आश्रम आता है, फॉरेन आता है, इन्वेस्टमेंट आते हैं, आपके एक्सपेंस आते हैं और लॉसेस जो होते हैं वो 12th हाउस में आते हैं क्या? तो यदि और आपका कहीं ना कहीं वो आपका मेडिटेशन जो हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण, अगेन वो 12th हाउस में भी हम उसको देखते हैं क्योंकि वो आखिरी हाउस है कुंडली का, क्योंकि वहां से फिर एग्जिट होता है, वहां से एग्जिट है, तो वहां पर यदि केतु है और वो पॉजिटिव है तो आपके खर्चों को एकदम कम कर देगा, करेक्ट, आपके खर्चों को कम करेगा, आपके लॉसेस को कम करेगा, करेक्ट। आपके 12th हाउस में आता है जेल आती है, हॉस्पिटल आता है, तो आपको जेल जाने से एंड टाइम पे बचा लेगा यदि वो पॉजिटिव है, आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगेंगे यदि 12th हाउस में केतु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो। केतु पॉजिटिव है तो आश्रम भी ले जाएगा, आश्रम भी ले जाएगा, आपको विदेश भी ले जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। और यदि वो निगेटिव है तो आपके आकस्मिक खर्चे होंगे, खर्चों पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा, आप बोलोगे यार 10 लाख कमा रहा हूँ, 20 लाख कमा रहा हूँ, जा कहाँ रहा है, बिकॉज ऑफ केतु, मालूम ही नहीं पड़ रहा है खर्चों में बैठा है, आपको नुकसान हो सकता है 12th हाउस केतु यदि निगेटिव है तो, आपको जेल जाने का भी योग बनता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा निगेटिवली है तभी, क्योंकि 6th हाउस में राहु है तो बचा ले जाएगा, क्योंकि राहु को हारना नहीं पसंद है, राहु बचा ले जाएगा, तो बहुत रेयर केस में केतु 12th हाउस में निगेटिव रिजल्ट देता है। लेकिन यदि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, यदि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, यदि आप तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले केतु के, आपको आश्रम ले जाएगा गुरुजन के, आप आश्रम में समय बिताएंगे। और काफी ऐसे लोगों को मैंने देखा कि मेडिटेशन जब करते हैं तो काफी अच्छा लगता है, मतलब एक सुकून मिलता है, शांति। एक और चीज देखी है मैंने, आपको ड्रीम जो होते हैं वो भी 12th हाउस में आते हैं, तो केतु जब रहता है तो इसका पॉजिटिव ये है कि आपको कई बार बहुत वियर्ड ड्रीम्स आते हैं, बहुत अजीब से ड्रीम्स, और इसका पॉजिटिव देखें तो आपको कई बार इंट्यूशन हो जाता है, सपने में कोई चीज ऐसी दिख जाती है जो होने वाली है और आप सतर्क हो जाते हो, तो वो केतु आपको वहां से पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ओवरऑल स्पिरिचुअल पाथ पे यदि हमको ग्रोथ करनी है, जर्नी हमारी है, तो 12th हाउस केतु इज अ वेरी बेस्ट प्लेस और 6th हाउस राहु इज बेस्ट प्लेस, बिकॉज हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे, कलयुग में रह रहे, तो वहाँ 6th हाउस राहु काफी अच्छी पोजिशन, बिल्कुल। तो यहाँ पे यदि हम, मेरे ख्याल से रेमेडी की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इतनी अच्छी पोजिशन है, तो यहाँ इन जनरल काफी आपको रिजल्ट वैसे ही अच्छे मिल जाते हैं।